रोल ईशा जी सेंटर लुक सेंटर कैमरा दो कैमरा दो कैमरा नया प्रोजेक्ट आने वाला है बट बताऊंगी नहीं आप लोग को अपडेटेड रोल देखना जीतना क्योंकि उनकी इतनी बड़ी फैंडम है यू नो इतने फैन फॉलोअर्स है और ठीक है वो जीते हैं बढ़िया है बट डिजर्विंग मुझे नहीं लगते थे। मैं घर के अंदर भी अक्सर ये बोलती थी कि डिजर्विंग मतलब जिनका बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत नेसेसरी है यू नो तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता। तो आपके हिसाब से कौन डिजर्विंग था? मेरे हिसाब से यार अंकिता जी वॉज द डिजर्विंग वन क्योंकि उनकी तो पूरी पर्सनल लाइफ ही खुल चुकी थी कि उनकी मैरिड लाइफ में भी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है प्लस वो गेम भी साथ में मैनेज करी तो उनकी जर्नी भी कोई आसान नहीं रही थी बहुत टफ रही थी। सबकी जर्नी यार अपनी अपनी जगह बहुत टफ रही है बट हाँ मेरे हिसाब से मुझे लगता है अंकिता जी। आपको ऐसा लगा कि मुनव्वर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए या फिर ऐसी जबरदस्ती जिताया गया मैं नहीं बोलूंगी उनके फैंस के बदौलत उनको जिताया गया है डेफिनेटली जबरदस्ती तो नहीं बट हाँ इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं थी। जैसे कि अभी जो डोंगरी आपने विनिंग मूवमेंट देखा हाँ, हाँ, था डोंगरी में जो yes. हुआ था उसके खिलाफ भी FIR हुआ है कि ऐसा मतलब वो लीगली नहीं था। देखो आप लोग ही बता रहे हो यार ऐसे मुझे ऐसा लगता है पता है क्या कि मुनव्वर को भी नहीं पता होगा कि ऐसा कुछ इंतज़ाम या ऐसा कुछ सेटअप इतनी भीड़ भाड़ वहाँ पे लगने वाली है। मुनव्वर पहुँचा होगा और उसने देखा तो यार ऐसे कुछ कर नहीं सकते हैं मतलब लोग उसको इतना अगर प्यार करते हैं तो ही इज ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ फैंस एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर। जैसे कि आपने बोला कि अंकिता जैन का भी पर्सनल लाइफ काफ़ी खुल चुका था आपका भी पर्सनल लाइफ खुल चुका था और अभी अभिषेक ने भी रिएक्शन दिया है उनसे जब पूछा गया कि आप ईशा जैन के साथ फिर से रहना चाहेंगे बात करेंगे यानी ऐसा भी नहीं है कि वो अगर आज मेरे सामने से क्रॉस करे तो मैं मुंह बोल लूंगी या मुंह बना लूंगी। मैं कॉर्डियल बिहेवियर सबके साथ अंदर के हर एक कंटेस्टेंट के साथ रखना चाहूँ। जैसे कि आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर कोई सामने से नहीं बात करता लेकिन उदास है तभी मैं उनके सामने सॉरी बोलती आपकी बात कर। हाँ मेरा वो नेचर यार अभी भी मतलब मुझे पता है कि अंदर यू नो मनारा और मेरी बहुत अलग लेवल पे झगड़े हुए हैं बहुत लड़ाई हुई है पर अगर मनारा भी मुझे दिख जाएगी सामने से मैं चली जाऊंगी उसको हाय बोलेगी हाय मनारा व्हाट्सअप आ भी मुझे लगता है कि आप ना बहुत लंबे टाइम तक ज़्यादा ग्रजेस पाल के नहीं रख सकते और वो अच्छा भी नहीं है आगे बढ़ जाना चाहिए। तो अभी जब मनारा बाहर आ गया आप लोग का कुछ बातचीत नहीं कोई बातचीत नहीं हुई क्योंकि मैं भी अपने प्रोजेक्ट्स में लगी हुई हूँ। आई एम श्योर मनारा भी अभी अभी फिनाले करके बाहर आई है तो वो भी बिजी ही होगी बट अब मैं करूँगी कॉन्टैक्ट मनारा से डेफिनेटली मिलेंगे बातचीत करेंगे। जैसे कि अभी खबर आ रही है कि अभिषेक को खतरों के खिलाड़ी मिला है हाँ। उसमें जाने वाले तो उन्हें आप क्या कुछ कहना? मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी अगर ऐसा है तो मुझे नहीं पता है कि एक्चुअल ऑफिशियल न्यूज़ क्या है पर आप लोग अगर बता रहे हो तो ऑल द बेस्ट टू अभिषेक। इसी के साथ अगर आपको भी खतरों के खिलाड़ी में अभी इसी वक्त चांस मिलता है अभिषेक के साथ फिर से मुलाकात होगी वही यार मैं मुलाकात से ऐसे डरती नहीं हूँ मैं आप वो तो आपने देखा ही होगा बिग बॉस में मुझे किसी चीज़ से ऐसे डर नहीं लगता कि अरे बाप रे ये फेस करना पड़ेगा। मैं कभी भी सिचुएशन से भागने में बिलीव नहीं रखती हूँ क्योंकि आप भाग कब तक ये भागते रहोगे कभी ना कहीं वो एक सर्कल लेके आपके सामने फिर आ ही जाएगी सिचुएशन। सो आई थिंक आप फेस करो उसको स्ट्रॉन्गली वो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास अगर आज भी ऑफर आता है मैं हाँ करूँगी ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू से यस। अंकिता लोखंडे भी बोल रही थी कि मैं जो वोटिंग हुआ था मैं वो चेक करवाऊँगी क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि मैं फोर्थ रैंक पर आ सकती हूँ आप इस पे कितना यार मुझे नहीं लगता कि जनता ऑडियंस कभी भी अनफेयर हो सकती है एंड बिग बॉस इज ऑल अबाउट ऑडियंस। आप अंदर हो लेकिन बाहर आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं आपके ऊपर अपना एक जजमेंट क्रिएट कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के कमेंट्स कर रहे हैं तो आई थिंक जनता कभी भी अनफेयर नहीं हो सकती है। आई थिंक जो भी हो यार जनता के डिसीजन के हिसाब से हुआ है। सो कभी आप किससे स्पेशली ज़्यादा मिलना चाह रहे हैं अंकिता से या फिर मुनव्वर या फिर अभिषेक या फिर किससे? यार ऐसा कुछ नहीं मैंने अभी बोला ना आपको मुझे सब लोग भी अगर मिलेंगे ना यहाँ पे अगर वो 17 के 17 लोग भी मुझे खड़े हो देखेंगे मैं सबके पास जाऊँगी और मैं सबसे अच्छे से ही बात करूँगी। ऐसा मेरा नेचर है ही नहीं कि मैं मुँह बना के निकल जाऊँ या उनको देखूँ ना तो ऐसे मैं किसी को अवॉइड या इग्नोर नहीं करूँगी बट हाँ अगर क्लोज रिश्तों की बात की जाए तो आई थिंक मैं विक्की भाई और अंकिता जी से ज़्यादा क्लोज फील करती हूँ। अभी तक उनसे आप मिले नहीं हैं? मैं मिलती हूँ उनको मैं 2 दिन पहले
और मैं पहले पूछना चाहूँगी कि अब इसके बाद आपका कोई मन है किसी रियलिटी शो में जाने के लिए? यार मन तो हाँ ऑफकोर्स, मन तो मेरा ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स करने का, जितने भी आ रहे हैं मेरा मन होता है मैं सब कर लूँ, पर देखती हूँ अभी चल रही है, बातचीत हो रही है, कहाँ कब जाना है क्या करना है, आपके पास तो खबर आ ही जाएगी, मैं नहीं भी बताऊँगी तो भी, सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। और कुछ आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? हाँ बहुत है यार, बहुत अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, बट आप लोग बस आशीर्वाद दो और जय माता दी, सारी चीज़ अच्छे से हो जाए, बढ़िया से हो जाए। जब एमसी का सीजन था तब से ही वो लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स रहे हैं, बहुत ही एविडेंट रहा है सोशल मीडिया पे भी, जब स्टैन अंदर था तब मुनावर ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया है, एंड सेम वॉज फॉर मुनावर की, जब मुनावर अंदर था तो स्टैन ने भी काफ़ी हद तक सपोर्ट किया उनको। मिलने हाँ हाँ एम सी स्टैन वॉज देयर इन द फिनाले, और बढ़िया यार बॉन्ड भी उनका, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है उनकी, सो हाँ सपोर्ट था। थैंक यू बाय। अरे हट हट नीचे।